बदगुमानी का मतलब है यानी कि अपने दिल में किसी के लिए मैल रखना, किसी के लिए कोई बुरी बात रखना, नेगेटिव बात रखना. फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? और आपका क्या नाम है? हाँ, मेहर. फॉर एग्जाम्पल के मेहर के पास कोई चीज़ है और वो बहुत उसको पसंद है और आफिया को भी वही चीज़ पसंद है लेकिन आफिया के पास नहीं है, तो आफिया क्या करती हैं कि मेहर की वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि हसद करती हैं, जेलसी करती हैं. तो ये चीज़ बदगुमानी में आ जाती है. यानी कि आजकल हमारी सोसाइटी में बग़ैर किसी वजह के भी लोग अपने दिलों में मैल रखते हैं, दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा सुनाऊंगी. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में थे और सहाबा कराम के बीच में बैठे वो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे. आपने अचानक फरमाया कि अभी एक शख्स दाखिल होगा जो कि जन्नती है, और सब सहाबा कराम जो है वो दरवाज़े की तरफ देखने लगे कि कौन ऐसा शख्स आने वाला है. तो देखा तो एक आम सा इंसान था, वो आया और सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए. अब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सब सहाबा कराम भी थे साथ में. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक शख्स यहाँ दाखिल होने वाला है और वो जन्नती है, उसे गौर से देख लो. वो आया और दूसरे दिन भी वही इंसान था जो पहले दिन आया था. अब तीसरे दिन ऐसा ही हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और तमाम सहाबा कराम के दरमियान उन्होंने कहा कि अभी एक शख्स अंदर आएगा, उसे गौर से देख लो, वो जन्नती है. अब तीसरे दिन उनको लगा कि शायद कोई और इंसान होगा. अब तीसरे दिन भी वही सेम इंसान था.